नमस्कार साथियों, इंडिया रूरल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं चौमो विधानसभा क्षेत्र के गांव सिंगोद खुर्द में। मैं प्रहलाद साय सैनी, कैमरामैन पूरन मल मीणा के साथ ग्राउंड रिपोर्ट। राम राम जी। राम राम जी। का ही नाम? गोवर्धन चोपड़ा। तो चोपड़ा जी, अब की बार कुन्ना एम एल ए बना रहे जो चौमो का मायने? अब की बार एक कांग्रेस की सरकार बनेगी, वो सिक्का मिल को जीता रहे। सिक्का मिल ने तो का ही कारण है जिसमें कांग्रेस की बन रही? कांग्रेस की बहुत ही योजना से को सब भी योजना के तहत वोट दे रहे थे। सारा कुल मिलार चेहरा ने कुन देख रहा है योजना के तहत? योजना के तहत, योजना के तहत, योजना के तहत। गहलोत जी की बढ़िया योजना से और गहलोत जी की योजना देख रही वोट दे रहे थे। यही नहीं, पूरे राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। राजस्थान में कांग्रेस? राजस्थान में कांग्रेस आ रही है। का ही कारण जी अब की बार? वो तो इतिहास ही बदल जा लोगी, सरकार रिपीट हो रही थी। गहलोत जी ने इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं, किसान के एक किसान परिवार में एक किसान के कम से कम 10,000 रुपए महीने के आ रहे हैं। बचत? बचत। बाकी यहाँ बिजली के बिल नहीं लग रहे हैं। मेरे 3 कनेक्शन हैं, तीनों की कोई बिजली का कनेक्शन पैसा नहीं आता है। फिर जो ये बीमारी देख लो और कोई योजना देख लो, सब में करीबन 10,000 रुपए महीने का हर किसान को फायदा हो रहा है। अच्छा, 10,000 रुपये महीना। नॉर्मल आदमी भी हॉस्पिटल में जाता है, उसको 1 रुपया जेब में लेके नहीं जाना पड़ता है। इलाज कराए? मैंने अभी भी, हमारे 2 बंदे सुबह एक्सीडेंट हो गए थे, उनको भर्ती करा के आया हूँ। उनके भामा से इलाज हो रहा है, एक पैसा नहीं लग रहा है। भामाशा से हो रहा है। तो कुल मिलाकर चिरंजीवी योजना कारगर? चिरंजीवी योजना। तो एक बलबुता वाले जीत रही जी कांग्रेस? कांग्रेस का बस काम के लिए जीत रही थी, और कोई काम का आधार वाले जीत रही। रिपीट हो लिया की बार? बिल्कुल होली, 100% होली। तो हिसाब से लाग रहे था के भी सिक्का मिल भरा? नहीं, हम तो शुरू से ही कांग्रेस ही है और कांग्रेस के लिए हम लाग रहे हैं। शुरू से कांग्रेस ही, हम तो कोई नए थोड़ी है भाई, नए हैं। शुरू से ही कांग्रेस ही है। शुरू से ही कांग्रेस। राम राम साहब। राम राम। का नाम था? भगवान साहब सैनी। कौन के बना रहे हो सरकार, बीजेपी कांग्रेस या RLP? अब की बार कांग्रेस की सरकार बनेगी, भारी बहुमत से बनेगी। कारण का जैसे भाई भारी बहुमत से कांग्रेस ही बने, रिपीट हो रही जा तो भाई राजस्थान का मान तो रिपीट होएगा ना, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस आओ? राजस्थान में कांग्रेस की सरकार रिपीट होगी। यशस्वी मुख्यमंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत की योजना, इतनी अच्छी योजनाएं हैं, उनके बलबूते पर कांग्रेस रिपीट होगी, क्योंकि बीजेपी के पास इतने मुद्दे ही नहीं बचे जो कांग्रेस गवर्नमेंट की कोई खामियां गिना सके। आज कांग्रेस की सरकार ने, अशोक गहलोत जी ने 25 लाख का चिरंजीवी कार्ड, जो आज पहले जब एक परिवार में बीमार हो जाता था तब ये हो जाता था कि मेरी ज़मीन बेचूँ या कहीं से कर्ज उठाऊँ, आज एक 10 रुपये का नोट जेब में ना होते हुए वो हॉस्पिटल में जाता है, 10 लाख रुपए का इलाज करा के आ जाता है। पहली योजना, सबसे तगड़ी योजना ये है। दूसरी योजना ये है किसानों के लिए, जो कृषि कनेक्शन थे उस कृषि कनेक्शनों में फ्री आ रहे हैं। तीसरी योजना ये है, घरेलू कनेक्शन है वो फ्री के चल रहे हैं, और फूड पैकेट योजना, यानी कितनी योजनाएं गिनाई कि गिनाते गिनाते आपको शाम हो जाएगी, आपको दूसरी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बताओ, आज जनता इस योजनाओं को देखेगी, इस लाभ को देखेगी, या आगे जो कहेंगे लोग प्रलोभन देंगे उनको देखेगी? इस बलबूते पे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार 150 सीटों से पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और इतना और कहता हूं मैं आपको, जो भी सीट जीत के आएगी, आज मैं चौमू क्षेत्र से बोल रहा हूं, हमारा कांग्रेस का कैंडिडेट है कम से कम 30,000 वोटों से जीतेगा। चौमू में 30,000 से जीत रही जो कांग्रेस कैंडिडेट? चौमू का कैंडिडेट 30,000 वोटों से जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा। और यही नहीं, चौमू ही नहीं, आप पड़ोसी सापरा है, हमारे नजदीक में सापरा है, वहां का कैंडिडेट जाके देख लो, वहां का कैंडिडेट भी इस स्थिति में है कि ये 30,000 से जीतेगी, तो वो भी कम से कम 30,000 से जीतेगा। वो भी तीस हजार से जीतेगा। और कांग्रेस की योजना है, इसलिए कांग्रेस को वोट मिल रहे हैं। नहीं, कांग्रेस हो बीजेपी हो, जनता को क्या चाहिए, बीजेपी चाहिए या कांग्रेस चाहिए? जनता को काम करने वाला कैंडिडेट चाहिए। आज जो अपने राजस्थान में अशोक गहलोत जी ने बेटा है, ये योजना, इतनी अच्छी योजनाएं चलाई हैं, इनके बलबूते पे ये कैंडिडेट जीत के आ रहे हैं। इन कैंडिडेटों ने भी काफ़ी मेहनत की है कोरोना काल में। आज देखो, कोरोना काल का गहलोत साहब का मैनेजमेंट देखो, पूरे हिंदुस्तान के अंदर मुंह बोलता है उनका। माननीय श्री अपने प्रधानमंत्री ने देखो आप,
प्रधानमंत्री ने भी गहलोत साहब की सराहना की है, ये कहा है कि अन्य स्टेटों को यह कहा है कि अपने राजस्थान मॉडल अपनाओ नहीं तो यहाँ अपन चले जाएंगे। उनको भी ये डर था कि गहलोत सरकार जो काम किया है कोरोना काल में उस मॉडल को पूरे हिंदुस्तान में लगवाया है उन्होंने। कुल मिलाकर गहलोत सरकार की जो कोरोना काल में उपलब्धियां जी लॉकडाउन वगैरह की जो सारी भी चीज जन सुविधा की बानी फिर पूरा हिंदुस्तान का मान अपनाई गई, पूरा हिंदुस्तान में उन्हीं को अपनाया गया है। आज जो पूरा हिंदुस्तान में कहां अपनाया गया है, अन्य स्टेट देखो 25 लाख का चिरंजीवी कार्ड, 10 लाख का बीमा, कोई मृत्यु हो जाती है तो उसको 10 लाख रुपए का बीमा दे रही है वो गहलोत सरकार। वो कौन सा स्टेट है वहाँ ऐसा अपनाया गया है। एक अशोक गहलोत जी को धन्यवाद है जो इतना इस जन सेवा भावी ऐसा मुख्यमंत्री मैं ये कहता हूँ कि पिछले समय में ना तो आया है और ये जब तक है इसके बाद मेरे हिसाब से तो लगता नहीं कि ऐसी योजनाएं, हाँ कांग्रेस में ऐसा कोई होगा वो कांग्रेस ही ला सकेगा, कोई बीजेपी का अन्य कैंडिडेट नहीं ला सकता ऐसी योजना। और क्या बताओ जी बीजेपी कांग्रेस कांग्रेस सामने तो कांग्रेस ओ टेढ़ सी जीती है जावण तो सिंगो सु कदे आ रही होने जा सिंगो सु आ रही कदे को नरी जा कांग्रेस ही जीते बिल्कुल अब कभी कांग्रेस जीत ली ओ ये पाकी खरे पाकी खरे ना बिल्कुल पाकी जा कांग्रेस नहीं कांग्रेस ने सिक्का मिल ही जीत ली रे सो तो सिक्का मिल जीत ली कारण काई जे से कि कांग्रेस ही जीत ली कांग्रेस तो घणी योजना लेई जे सिरंजी योजना से या फूड पैकेट से सारा गरीबी इशू तो जियाया नहीं तो मर जाता आधा साल जाता इशू जियाया जे कांग्रेस सरकार ने होती तो सल्ट जाता बस चिरंजी योजना होती तो आधा इलाज का थोड़ा ही मर जाता अच्छा इलाज का थोड़ा ही मर जाता तो आज चिरंजीवी योजना ज्यादा कारगर सबसे कारगर आई जे सबसे कारगर आई हां तो ईगा बलबुता मणि जीते बलबुता मणि 28 को ना लगभग 4 मेरे आसपास में सारे जीते ली आखिर राजस्थान में तो रिपीट अपने कह रहे जो कि 150 सीटा से ऊपर ही जा ली कम कोन रे 150 सीटा का लगभग हां हां भाई कौन की सरकार बीजेपी कांग्रेस या आरएलपी शिका मिल की सरकार कांग्रेस की अच्छा कांग्रेस की हां तो काई कारण जैसे भाई कांग्रेस का फैन कांग्रेस गरीबा की छहर गरीबा की रैली जब गरीबा की छ और गरीबा की रैली हां बिल्कुल तो पहली अब की बार जहाँ कांग्रेस सरकार जी तो कहीं कहीं करी गरीबा दानी गरीबा दानी सब कुछ करी कहीं कौन करी उठार देख लो पांच लो पन्नो अच्छा पांच लो पन्नो ही उठार देख लो हाँ अभी 5 साल कोई पन्नो उठार देख लो ज्यादा दूरी का जाओ मुझे ज्यादा दूरी में जाओ और आगे कहीं कर पागी आज से इस भाई जी आगे भी तो भाई जो वादा करे जो पूरा करे ली कांग्रेस अच्छा करती है जगह पहली भी करी करती है जो कर रही है अभी भी करे ली अच्छा अभी कर ली हाँ बिल्कुल और क्या बताओ जी बीजेपी कांग्रेस अरे भाई कांग्रेस ही काम कर लिया तो कांग्रेस ही काम कर ली हाँ और काम बहुत बहुत करिया छे बहुत करिया छे हां बहुत बहुत काम करिया छे सब गरीबा की पालन कर दियो गरीब आदमी आज न मर जाता या गरीब आदमी नरेगा चालू कर देनी बीमा चालू कर देनी या मतलब नए बैंक माने बिला के माने कतरी कर दी 5,000 रुपए बिल का आवत को कौन से दे रही छे 1 रुपए कोई नहीं दे रही जो तो सिलेंडर था ने बताऊं वो तक फ्री सेवा कमाने सिलेंडर पे कौन सा कर मिला चाहे कभी 5-5 रुपया कमाने दे रिया चाहे तो आगे और या मालियो आगे तो और आगे कर ली अच्छा आगे आज से था हां आज पूरी जमाने तो यार सब कुछ करती आ रही चेरी ई को प्रिय मालियो आदर में तो छा सब और आगे रहना भी पड़ा ला अच्छा राम राम साहब ते कुंडे बना रहे जो एमएलए की बार राजस्थान का आमने चोमू का माने चोमू से का मिल बुरा जी और राजस्थान का माने सरकार बीजेपी या कांग्रेस काई कारण है बढ़िया दीज जो भी दीज जो किसाना ने किसाना तो कहीं देती किसाना ने जी जो बिजली का बिल फ्री कर दिया और भी कई योजना दे रही है जे दे रही है हाँ तो अब के बारे में बताओगे रिपीट ते करया जो तो रिपीट तो राजस्थान का मान एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस या वजह तो अब के रिपीट हो जाए लेगा सरकार आपका तो साहब मुश्किल ही है आपका कौन हुआ रिपीट को रिपीट आपका इतिहास ही वास्तव में बदल लो हाँ। यानी कि वो पहले की जगह उन्होंने रिपीट हो लिए बिल्कुल इतिहास ही बदल लो चोमू को हाँ आपके रिपीट हो रही गलो सरकार दोबारा हो हाँ राजस्थान को वो तो बदल गो तो अड़ी सुथे बदलो ला जनाई तो बदल लो बिल्कुल तेर थे युवा जो थे बीजेपी या कांग्रेस कांग्रेस ही हाँ था भाई जो साथ जो योजनाएं दे रही है बढ़िया बढ़िया योजना बना रही दे रही है गहलोत किसान के लिए बढ़िया योजना दे रही है या गऊ को गोबर वो भी ले रहे थे परचेज कर रहे थे खरीद रहे थे हाँ 2 रुपए के लगा मान तो योजना बहुत ही बढ़िया दे रही है तो आगे जी आज योजना बनाई है गहलोत तो आगे अगर सरकार रिपीट हो ली तो आगे के लिए भी आप आए देगा चीज ना भाई जो अगर दूसरी सरकार पलटा जाए तो इन बंद करवा को डर भी है आज जो एल पी जी है 500 रुपये सिलेंडर दे रही है
गरीब योजना चल रही खूब, तो आपको देखते हो या रिपीट होली को सरकार अन देखता हूँ यार कुल मिलाकर कार्य नहीं अभी जो योजना जो कल्याणकारी अन देखता हूँ रिपीट होली साहब जरूर एक पर 100% 100% हाँ। और चौमुख मासी का मील जीतली साहब 101% चौमुशी का मील हाँ साहब देखो सरकार तो कांग्रेस की आनी चाहिए कांग्रेस की आनी चाहिए कांग्रेस की क्यों आनी चाहिए देखो कांग्रेस का राज में खूब विकास ही हो जाए देश को और गरीब लोगों को भी खूब विकास ही हो जाए जहाँ मान लो कि बिजली फ्री मिल रही राशन फ्री मिल रहे हो दवाया फ्री मिल रही पेंशन मिल रही तो मतलब विकास का नाम और खूब विकास हो विकास का नाम नाम ही भी जाए साहब नाम ही कोने विकास हुई है जो रियल में सामान छाप तो अपने की बार जब मान लो कांग्रेस सरकार रिपीट हो रही है हां ये बता रहा जो थांगा खबा का हिसाब तो रिपीट हो रही है ना आगे का उम्मीद लगा मिले जिस भाई और उम्मीद जो पिछला 5 साल 10 साल से रही है भाई उम्मीद ही आगे रही अच्छा जो पिछला कार्यकाल में उम्मीद रही है भाई कार्यकाल में भाई रही कांग्रेस राम राम जी राम बीजेपी कांग्रेस राजस्थान में की बार कांग्रेस रिपीट होली साहब दोबारा रिपीट होली तो वो ठीक ना अब हमेशा बिल्कुल अब की बार होली गेलो जी को काम बढ़िया है काम बढ़िया है बिल्कुल कार्यकाल चौकुच है गहलोत को कार्यकाल चौकुच हाँ भाई सबके लिए चौकुच है जना गबमल हरी जया चौको करो हाँ बढ़िया बढ़िया हाँ बढ़िया करियो।